अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में माशी, सियासी और आइनी बहरान, महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम परेशान है। IMF की कड़ी शरायत और ट्रेन शरायत के बाद अब देखना यह है कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी और आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के हवाले से पूरा जोर लगा रही है, लेकिन वक्ती इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज अलवी साहब से खान साहब की मुलाकात भी हुई और इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। खान साहब ये कह रहे हैं कि जी आखिरी उम्मीद जो है वो अदालत से है, अदलिया जो है वो ही इंतखाबात करवा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इससे पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ये बात कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि इंतखाबात ना तो एक दिन पहले हों और ना ही एक दिन बाद हों, जो आइनी मुद्दत है असेंबली पूरी करे और उसके बाद इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। मौजूदा हालात क्या ऐसे हैं कि इंतखाबात वक्त पे होंगे, फिर जो जिस तरह की कयास रवैया हैं ये भी, और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं APC का के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शिरकत नहीं कर रही, डायलॉग की तरफ नहीं आ रही, और ख़ुद जो है PDM की जो जमातें हैं और खुद मुस्लिम लीग नून उसमें भी बहुत सारे इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, तो मामला जाएंगे कैसे। अदालत बार बार ये कह रही है, चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसको दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया, और वो ये चाह रहे हैं कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि सियासी मामला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही हल होने चाहिए, मामला जो है वो अदालत में नहीं आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि पिछले 8-9 महीनों में चाहे वफाकी हुकूमत का मामला हो या पंजाब, बिलखसूस पंजाब, चूँकि बार बार अदालत में ही गए मामला, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब हों या उसके बाद परवेज़ इलाही साहब, असम्बलियों की तहलील, तमाम मामला जो हैं वो जाके रुकते हैं सीधे अदालतों में। हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स क्यों ओनरशिप नहीं लेते और क्यों जो बड़ी जमातें हैं वो वैसे तो दावे करती हैं पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने की, और है भी, बट जब फैसले होते हैं तो वो सहारा लेते हैं थर्ड पार्टी का, जब थर्ड पार्टी का सहारा लेते हैं तो वो फैसले जा रहे हैं स्टेक होल्डर्स के खिलाफ जाते हैं और बाद में पछतावा होता है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ासतौर पे महंगाई कैसे कंट्रोल होगी और इंतखाबात की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, और अगर असम्बलियाँ जिस तरह केयर टेकर सेटअप है पंजाब और KP में और वहाँ पर इंतखाबात होते हैं और बाकी जो असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात जो अपनी अपनी मुद्दत पे होंगे, तो ये भी एक और दोरी अजियत होगी पाकिस्तानियों के लिए भी और ख़ुद हुकूमत और जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए भी इसमें दुश्वारियाँ होंगी। लेकिन क्यों स्टेक होल्डर इसके ऊपर मिल बैठ कर कोई मुतफिका लाया अमल नहीं बना रहे, इस पर बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शमी मुमताज़ साहिबा, सीनियर रहनमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MP हैं। शमी मुमताज़ साहिबा, खुश आमदी कहते हैं आपको प्रोग्राम में। समीना मतलूब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनमा MNA हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। थैंक यू। मोहम्मद बशीर खान सीनियर रहनमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बशीर खान साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शमी मुमताज़ साहब, आप गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, किस तरह देखती हैं, चूँकि जो सबसे बड़ा इशू महंगाई है और नज़र भी आ रहा है, ज़ाहिर है बहुत बड़ा बोझ है, IMF की कड़ी शरायत हैं और उन शरायत पे पूरा उतरने के लिए जिस तरह का ज़ाहिर है माहौल बन रहा है, अभी टैक्सेस और आएंगे, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, किस तरह मैनेज होंगी चीज़ें, और जो इस वक्त माहौल है वो पहले ही लोग परेशान हैं, तो कुछ नज़र आ रहा है आपको कि हुकूमत बज़ाहिर हमें किसी भी जगह पे ओनरशिप लेती हुई नज़र नहीं आ रही, फैसले होते हैं तो डिसऑन किए जाते हैं, उन फैसलों को डिसऑन किया जा रहा है, आवाम रिलीफ का सोच रहे हैं, अब तो दूर दूर तक कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। आप चूँकि इत्तेहादी भी हैं और सिंध में ज़ाहिर आपकी हुकूमत है, तो आपको नज़र आ रहा है कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकेंगे? सबसे पहले तो रही और आपका शुक्रिया, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। देखिए ये बहुत पुरानी बात है कि पिछली हुकूमतों ने ये किया ये किया और आवाम भी अब बहुत समझदार हो गए और आवाम ने देखा कि पिछले 4 साल जिस तरह गुजरे हैं और जिस तरह PTI की गवर्नमेंट या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने मुल्क को जान दिया ले जाकर, और मैं तो समझती हूँ इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो आपका स्टेट बैंक है, कि स्टेट बैंक को आपने जो है वो गिरवी रखा और 4 साल से जो है वो IMF जो है वो स्टेट बैंक को चला रहा था। तो ये वो सारी चीजें हैं, वो सारे मुआहदे हैं जो कि पिछली हुकूमत ने किए थे, जिसकी सजा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को मिल रही है,
और हमें जिस तरह जाके आईएमएफ से बातचीत करनी पड़ रही है, ये बिल्कुल जाहिर है कोई खुशगवार मौका नहीं है, ना ही कोई खुशी का मुकाम है ये बात करने के लिए। लेकिन ये इस वक्त मजबूरी है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो कैफियत है वो आपके सामने है कि जितना पाकिस्तान जिस तेजी से जो है वो हमें पिछले गुनाहों की सजा के तौर पर जा रहा है पीछे की तरफ, तो वो बड़ी मुश्किल से हम पाकिस्तान को सियासी जमातें लेकर आती हैं। लेकिन एक सिलेक्टेड बंदे ने आकर जिसको अपनी सही कैप्टनशिप ना करनी आती हो, उसने वही काम किया कि पाकिस्तान को जो है वो क्रिकेट समझ के खेला, और क्रिकेट का अंजाम जो है या तो हार होती है या जीत होती है, और सरासर वो 4 साल हार के गुजारे उसने, तो ये हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन जहां तक महंगाई की बात है, जाहिर है आईएमएफ अगर आज, मुझे पता नहीं अभी क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कि क्या चीज तय हुई है, लेकिन जाहिर है जो अगर हमें उनकी शराइत माननी है तो उनकी शराइत को मानते हुए हमें कुछ तल्ख घूंट पीने पड़ेंगे, कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, और जाहिर है उसका असर डायरेक्ट अवाम पर ही होता है। हम ये कहते हैं कि अवाम पर नहीं होगा, लेकिन अवाम पर होता है। पेट्रोल अगर महंगा होता है तो जाहिर है अवाम पर उसका असर पड़ता है और निचली सतह तक जाता है। तो बस हम दुआ कर सकते हैं कि आईएमएफ ने, जैसे अभी चेयरमैन साहब ने कहा है कि आईएमएफ से हम गुजारिश कर रहे हैं कि कड़ी शराइत ना हो, तो हम उन शराइत की बात कर रहे हैं कि उस तरह सा हौला हाथ रखें ताकि आवाम जो है कुछ तो आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन शमी मुमताज़ साहब, देखिए मेरी आपकी ख्वाहिश है कि होला क्या बिल्कुल ही हाथ ना रखें, छूट मिलनी चाहिए जिस तरह का हमारी माशी पोजीशन है। लेकिन जाहिर है कोई भी छोटा सा बैंक भी जब आपको कर्जा देता है तो वो आपकी सैलरी चेक करता है, आपके असासे चेक करता है, उसके बाद वो आपको 2-4-5-10 लाख रुपये का लोन अप्रूव करता है। तो यहाँ तो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है, मामला दुआओं से आगे निकल चुका है। लेकिन इसमें ओनरशिप नहीं ली जा रही है, जिस तरह कल बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि हमें पता है महंगाई है, मरियम बीबी ने कहा कि मैं खुद बहुत परेशान हूँ और मियाँ साहब भी परेशान है, यानी वो तो बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के की हुकूमत है, आप उनके इतिहादी हैं, बाकी 12 जमातें हैं पीडीएम की, तो यहाँ पे भी हमें ये लग रहा है कि जिम्मेदारी जो है वो शिफ्ट की जा रही है किसी दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर। ओनरशिप हम ओनरशिप कैसे लेंगे, हमारा किया हुआ थोड़ी काम है ये, ना पीपल्स पार्टी ने किया है, ना नून लीग ने किया है, ना किसी और ने किया है, ये तो हम किसी और का किया हुआ भुगत रहे हैं। ठीक, हम लेकिन शमीम मुमताज़ साहब बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे नजरियात, हमारी पार्टी के हमारे नजरियात सबके अलग अलग है, नून के अपने नजरियात है, पीपल्स पार्टी के अपने, हम अगर एक टेबल पर आए हैं तो हम पाकिस्तान की वजह से आए कि हमें इस वक्त पाकिस्तान अजीज है और हमें पाकिस्तान को बचाना है, तो हम कैसे ओन कर लें किसी और के गुनाहों को। हम ये बड़ी बात नहीं है कि हम उनके गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वापस हम पटरी पर ला सकें जहां से उसको डीरेल किया गया है। ठीक शमी मुमताज़ साहब, आपका आर्गूमेंट अपनी जगह, लेकिन जाहिर है आपने दावे किए थे कि हम मिलकर इसको सही करेंगे, और आपने कहा था कि ज़रा अगर ये 3-4-6 महीने और हुकूमत चल गई तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो आप के दावे थे, और मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी कहा, फिर इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि हम इसको ठीक कर देंगे। आईएमएफ के साथ किन शरायत पे गए थे सबको पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 22वां प्रोग्राम साइन किया है उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो ये तो ढक्की छुपी नहीं थी। उसके बाद जब आप रिजल्ट्स नहीं दे सके तो अब हम देख रहे हैं कि मरियम बीबी ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ हो रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पता सबको था, आज कोई अपनी सियासत जो है वो दाव पे नहीं लगा रहा, सब जो है अपनी अपनी जमातें हैं, और मुश्किल फैसले भी हमने देख लिए कि मुश्किल फैसले तो इस तरह नहीं होते कि आप 2-2 महीने डिले करके फिर आईएमएफ के पास जाएं। चले अल्लाह, देखिए अब जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन अब आगे की सोचनी चाहिए, जिस तरह आज भी कहा उन्होंने इसहाक डार ने और बाकी लोगों ने कि पूरी टीमें काम कर रही हैं, हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तल घूट हमने पिया है, हमें मजीद भी पीना पड़ेगा अगर हमें पाकिस्तान को बचाना है। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट 6 महीने और चलती तो पाकिस्तान आज अल्लाह ना करे मौजूद ही ना होता, जिस तरह वो बार बार श्रीलंका का हमें धमकियां मिल रही थी कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस 8 महीने में हम 2 महीने देर की, हमने जाहिर है हम सोच रहे थे कि हम किसी तरह खुद से आईएमएफ के पास ना जाना पड़े या कम हमें लेना पड़े, कम शराइत माननी पड़े, लेकिन जाहिर है अब एक फैसला हुआ है तो उसको हमें भुगतना तो है। नतीजे देखते हैं, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जाएगा। चल, बेहतरी की तरफ जाना भी चाहिए, देखें उम्मीद तो है और रखनी भी चाहिए इंशाल्लाह ताला। हिकमत अमली जरूर होनी चाहिए, थिंक टैंक्स को काम करना चाहिए, पोलिटिकल पार्टीज के जो थिंक टैंक्स हैं उनको अपनी हिकमत अमली मुनस्तब करनी चाहिए ताकि इस मुश्किल सूरत से हम निकल सकें। मोहम्मद बशीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बात होती है, मलबा फिर आपके 3.5 साल के ऊपर डाला जाता है, आपसे जब बात होती है तो आप पिछले 35 सालों पे चूंकि इन जमातों की हुक्मरानी रही और बाकी जो बरसा बचता है वो डिक्टेटरशिप का दौर रहा,
हम ब्लेम गेम में ही रहते हैं, हम मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करने को तैयार नहीं होते, ब्लेम ही करते रहते हैं। लेकिन जहाँ शमीम मुमताज़ साहिबा ने अपना आर्गूमेंट ख़त्म किया कि लेट्स स्टार्ट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अभी भी चलें माजी में तो आप तजर्बे करते रहे और आपने कहा जी हम पहली दफ़ा आए थे, खान साहब ने एडमिट किया, कुछ उनकी अच्छी बातें ये भी हैं कि चलो मान जाते हैं कि हमसे गलतियां हुई, हम सीख रहे थे। तो अब सीखने के बाद अगर नए इलेक्शंस होते हैं, आपकी हुकूमत आ जाती है या पीडीएम आपको ऑफर करती है कि हाँ संभाले हुकूमत, तो कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, क्या प्लान होगा? आप कोई आपकी जो 200 लोगों की टीम थी वो पॉलिश हो गई, कोई नई हिकमत अमली मरतब की आपने? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं आपके सामने चंद बातें ऐसे रख देता हूँ जी। जी, ये वहाँ पे जो आसन इकबाल साहब था जी, इसको मेरे ख्याल में अरस्तू कहते हैं जी, वो खुद उठ के पार्लियामेंट हाउस में ये कहते थे कि हमारे साथ तजुर्बाकार टीम है ये, अगर हमें हुकूमत मिल जाए इंशाल्लाह 4 5 6 महीने में ये मुल्क जो माशी तौर पर इसने पीटीआई वालों ने 3 साल में या 2 साल में खराब कर दिया और इकतसादी तौर पर हमें बहुत नुकसान पहुंचा इस मुल्क को, हम इसको ठीक करेंगे। हमारे साथ बहुत ज्यादा ऐसी टीम है जो तजुर्बा रखते हैं, तो ये लोग जब आ गए ये तजुर्बाकार टीम, तो उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब खुद देखिए ये प्याज, पहले लोग ये कहते थे कि हम रोटी प्याज के साथ खाएंगे, जी अब प्याज जो है जी और डॉलर का एक मुकाबला शुरू है, बहुत सही, जबरदस्त कंपटीशन है, वो जा रहा है जी डॉलर तकरीबन 277 तक पहुंच चुका है और इस तरह 260 पी किलो प्याज है जी। तो प्याज का अब लोग, गरीब लोग ये भी नहीं सोच सकते कि हम प्याज किस तरह खाएंगे, ठीक। ये तो ये दाल वगैरह जो है वो तो खाने का इंशाल्लाह नहीं मिलेगा किसी को। ये लोग जो है ये 30 35 साल से ये बारी बारी इसने हुकूमत की, ठीक, वो तो इसने तो क्या देखिए किया जी साढ़े हमें पता है उन, तीन साल में जी जी जी। खान साहब ये बिल्कुल सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब आने वाले वक्तों में देखिए आप सब जमातें मिलकर बैठने को भी तैयार नहीं है, मिलेंगे नहीं तो सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा, तो एटलीस्ट किसी एजेंडे पे तो इकट्ठे हो इसे जाएं तो हम ताकि कहते हैं जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ जी, ये जो रजीम चेंज वाला मामला था जी, जो पीडीएम वालों ने कोशिश की कि आम आदमी इतमाद लाएं और आदमी इतमाद कामयाब हो, रजीम चेंज हो और हम हुकूमत संभाले, और तकरीबन ये 1.5 1.5 साल हम हुकूमत करें ताकि ये बेहतरी आ सके इस मुल्क में। तो ये रजीम चेंज का फिर उसने क्यों इस तरह किया आदमी इतमाद, अगर उसके साथ उसका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, इस इनके साथ जो 13 पार्टियां हैं इसके साथ ये प्रोग्राम नहीं था कि इकतसादी तौर पर आज ये हो रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है जी, तो इसके साथ अगर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था तो क्यों ये रिजीम चेंज हुआ जी, क्यों जल्दी थी आने के लिए, इंतजार करते 2023 अक्टूबर तक फिर इंतखाबात होते, जनरल इलेक्शन के बाद ये आते, तो ये सारा गन पीटीआई पे लोगों ने भी आवाम भी ये डाल देते हैं कि चले ठीक है, आपने कुछ नहीं किया। आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। ये ज़रा जब अवामी हलकों में जाएंगे वोटर्स फैसला करेंगे कि इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए और किसको डिसक्रेडिट करना है। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, आप ज़रा हुकूमत हैं तो हुकूमत में बैठी हुई भी हैं, किस तरह देखती हैं, कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? शमी मुमताज़ साहिबा जो बात कर रही हैं सब यही देख रहे हैं कि मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं, गलत फैसले भी ही ज़रा कौमों से ही होते हैं, लेकिन अब आज कोई एजेंडा नज़र आ रहा है कि किसी एक एजेंडे पे हम इकट्ठे हो जाएं और बिस्मिल्लाह करें आगे बढ़ें? 75 साल का पाकिस्तान हो गया, अभी तक हम शायद 47 से भी बदतर हालात में जी रहे हैं और डिग्निटी हमारी चैलेंज हो रही है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम आज़ाद मुल्क होने और एटमी पावर होने के बावजूद भी हमारी जो डिग्निटी है, IMF जो शरायत रख रहा है ना, वो यकीन करें कि वैसे तो तनकीद की हद तक तो बड़ी बड़ी अच्छी लगती है कि जी ये असासे भी देखने चाहिए, लेकिन इंटरनेशनली ये इमेज जो है और ख़ास तौर पर हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन भी है, तो वो
जिस तरह इसको पोर्ट्रे कर रहा है तो वो तो हमारे लिए तो तोहीन अमेज़ है, वो उसमें तो कोई हमारे लिए इज्जत नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये डॉक्टर सब साहब बातें बिल्कुल ठीक हैं भाई साहब, ये पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अभी जो कह रहे थे रजीम चेंज, जी रजीम जी चेंज अब नहीं हुई, रजीम चेंज उस वक्त हुई थी जब डॉक्टर इलेक्टेड साहब आके आप प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदलिया के साथ मिलके और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इमरान खान ने नाअहल करार दिया था, वो जी रजीम जी चेंज थी। उस वक्त से हालात खराब से खराबतर होते चले गए। ये जब गवर्नमेंट बनी दूसरे साल से ये धरनों का सिलसिला इन्होंने शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो तरक्याती काम थे, मनसूबा साजी थी, वो चलती रही। ठीक और लेकिन इन्होंने सियासी बहरान तो बहुत मचाया और वो सियासी बहरान अब तक चल रहा है। मुझे ये बताएं, सियासी बहरान और मईशत का चोली दामन का साथ है, सियासी बहरान कौन पैदा कर रहा है? ये को मुस्लिम लीग नून या ये भारत जमाते जो भी है पीडीएम नहीं कर रही, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी कर रही है, जो जैसे ही थोड़े से हालात चंद दिन बेहतर होते हैं तो ये सड़कों पे निकलते हैं, कभी हुकूमतें तोड़ रहे हैं, कभी कोई मुतालबात लेके निकल रहे हैं। ये जो अफरा तफरी की कंडीशन है, इसमें हमारी मईशत का बेहतर होना बिल्कुल स्लो हो जाएगा, स्लो हो रहा है बल्कि, हो और चुका है हमारे अब तो लिए, जी। हमारे लोगों के लिए अनरिलायबिलिटी की जो सिचुएशन है वो बढ़ रही है। हमारा इंटरनल इन्वेस्टर और एक्सटर्नल इन्वेस्टर अनरिलायबिलिटी का शिकार होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। इसी तरीके से आईएमएफ जो है, उसके साथ मुआहदा इन लोगों का था जो इन्होंने ब्रेक किया, अब उनको भी रिलायबिलिटी की फेज में लाने के लिए हमें जो पापड़ बेलने पड़े वो सब आपके सामने है। उनकी शराइत को हमें मानने के लिए उनको उनके आगे हमें बहुत ज़्यादा सरेंडर करना पड़ा। बात ये नहीं है, कितने आराम से हम कह देते हैं मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क, और फिर बड़े आराम से ये कह देना कि जो मुल्क के चार हिस्से हो जाएंगे, आर्मी बढ़ जाएगी। ये हमारे मुल्क के एंटी बातें जो हैं वो हमारे मुल्क को पनपने नहीं देती। ये हम सब कुछ सोचना चाहिए, ये मुल्क कोई किसी एक बंदे का नहीं, हम सब का है, और इसकी पॉजिटिविटी के लिए, इसकी तरक्की के लिए हमें सबको इकट्ठे एक जहन के साथ निकलना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये थी हमारे साथ कि ये जो अब पीटीआई पार्टी आने के बाद इन्होंने हम अपोजिशन के साथ मिल बैठना, उनके साथ रिलाय करना मुनासिब ना समझा, इनकी अपनी दुनिया हो गई, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हाथ मिलाया उस पर ही रिलाय किया, और चार सालों में किसी को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग क्या है, इनकी मनसूबा डॉक्टर साहब साजी क्या है, ये इनकी चीज कानून साजी क्या है, हम लोगों को बिल्कुल भी इलम नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने किसी भी मामले में किसी पार्टी को शामिल नहीं किया। अब देखें, जब अपोजिशन और हुकूमत का साथ होना लाजमी होता है, अकेली हुकूमत हुकूमत नहीं चला सकती, अपोजिशन ना हो तो ना ही, ये दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है अगर आप स्मूथ हुकूमत चलाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कांग्रेस और आपको इस्लाहात आगे जो आईएमएफ की शरायतें हैं, ज़ाहिर है अभी थोड़ी देर तक चीज़ें उसकी आ भी जाएंगी, और आपको मजबूरी है, आपके पास अच्छी अपोजिशन भी होगी, इस्लाहात भी करनी होंगी, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा। हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं और बार बार ये बात करते हैं कि ज़ाहिर है कर्ज़ा लेना या आईएमएफ प्रोग्राम इवन लेना कोई बुरी बात नहीं है। बांग्लादेश ने प्रोग्राम में गए, अब उन्होंने तरक्की की, उन्होंने कर्ज़ा लिया और उसका फ़ायदा उठाया, इंडिया ने फ़ायदा उठाया, हम क्यों फ़ायदा नहीं उठा सकते? और जो भी हुकूमत आती है वो आईएमएफ में जाती है, और आईएमएफ में जाने के बाद अगली हुकूमत आती है तो उससे डबल ट्रिपल कर्ज़ा उठाती है, और उसका नुकसान अल्टीमेटली रियासत पाकिस्तान को होता है। क्यों हमारे पास एक यूनिफॉर्म माशी पॉलिसी नहीं है? क्यों हम
हुकूमत चेंज होती है, तमाशी प्लान भी हमारे चेंज हो जाते हैं, इसके ऊपर कौमी इतफाक़ राय क्यों नहीं हो पा रहा, और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे, और उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो क्या सोच रहे हैं इस पर? मैं डॉक्टर साहब आऊँगा, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं इस पर तीनों पैनलिस्ट से पूछूँगा कि कुछ भी है, ज़ाहिर है सियासत आपने पाकिस्तान में रहकर ही करनी है, पाकिस्तान है तो आपकी सियासत भी है। हम कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर क्यों तरजीह नहीं दे रहे, और जो लोग तरजीह देने की कोशिश भी कर रहे हैं उनको संजीदगी से क्यों नहीं लिया जा रहा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।